Hello kids, mentor Neetu, welcome back. So we are doing Cyber Creators Computer Book Class 3 by BrainLoot. So today we are doing Chapter 7, More on Artificial Intelligence. So let's start. So in this chapter, you will learn about what is intelligence, similarities between humans and machines, difference between human and artificial intelligence, and AI gadgets and uses of AI. Okay? तो इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस है क्या, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और AI के बेस पे जो गैजेट्स हैं कौन कौन से हैं हमारे पास अवेलेबल, और उसके क्या क्या यूजेस हैं, और इन दोनों इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या है AI एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस में, नेचुरल इंटेलिजेंस में. सो लेट अस सी. सो बिफोर वी बिगिन दिस, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ ड्रोन इन द स्पेस गिवन बिलो. तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं. सो नाउ सी व्हाट इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस है क्या, हम समटाइम्स वी यूज कि वो बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, दैट गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट. तो इंटेलिजेंसी है क्या एक्चुअल में, इट इज द एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन. इसकी हेल्प से हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे हम लर्न कर सकते हैं कि हमें आगे कैसे एक्ट करना है, कैसे करना है किसी भी टास्क में, किसी भी एक्टिविटी में. तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन आर लाइफ. ओके, हमारे फ्यूचर के लिए कह लो या हमारी डेली यूज के लिए, वी शुड बी इंटेलिजेंट, राइट? सो द एबिलिटी टू कैलकुलेट, रीजन, परसीव रिलेशनशिप्स एंड एनालॉजीज, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी, सॉल्व प्रॉब्लम्स, कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, यूज नेचुरल लैंग्वेज फ्लुएंटली, क्लासीफाई, जर्नलाइज एंड अडेप्ट न्यू सिचुएशन इज नोन एज इंटेलिजेंस. मीन्स किसी भी चीज़ को सीखना, जैसे अब हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज को भी उसको ईजिली बोलना, और आजकल यू नो देर आर सो मैनी कोर्सेज, फ्रेंच है, जर्मन है, कुछ स्कूल्स में भी सिखाते हैं, तो उसको अडेप्ट करना, उसको सीखना, एक नई चीज़ों को लर्न करना, उनको ऑब्जर्व करना, उसको अपने माइंड में बिठाना, जैसे आप लर्न करते हैं मैथ्स पढ़ते हैं, उसके फॉर्मूलाज को कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. साइंस में आप करते हैं, पहले आप उसको रीड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइक प्लांट्स क्या हैं, एनिमल्स क्या हैं, उनके बॉडी पार्ट्स क्या हैं. तो इन सबको समझने के लिए वी हैव टू यूज़ आवर माइंड, यू नो वी शुड बी इंटेलिजेंट. हमारे पास, हम जितना उसको लर्न करेंगे, जितना उसको समझेंगे, ओके, तो उतना हम केयरफुली, जितना हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे किसी चीज़ पे, वो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी. जैसे आपकी मैथ्स क्लास है, अगर आप क्लास में भी केयरफुली अपने टीचर को सुनते हैं या घर पे आके उस चीज़ को दोबारा रिवाइज करते हैं, आपने उसको माइंड में अपने कहीं पे स्टोर कर लिया है कि ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द इंटेलिजेंस, राइट? तो यू कैन सी वंस अगेन द एबिलिटी टू कैलकुलेट, कोई चीज़ को कैलकुलेशन करना, कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने उसे कैसे सॉल्व करना है, चाहे हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, चाहे हमारी जो भी हमारी बुक की प्रॉब्लम हो, स्टडी प्रॉब्लम हो, रीज़न, परसीव रिलेशनशिप एंड एनालॉजीज, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. हमने मान लो पहले कोई एक सम रॉन्ग कर दिया है, अब हमें पता है कि उसने क्या मिस्टेक की है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, ठीक है? देन स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी, अपनी मेमोरी में स्टोर कर देना, और फिर उसको जो हमने लर्न किया है उसको फिर अप्लाई करना, राइट? सॉल्व प्रॉब्लम्स, कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, राइट? एंड यूज नेचुरल लैंग्वेज फ्लुएंटली, क्लासीफाई, जर्नलाइज एंड अडेप्ट न्यू सिचुएशंस, न्यू सिचुएशन को अडेप्ट करना, राइट? सो दिस इज नोन एज इंटेलिजेंस, राइट? सो इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, द वन इज नेचुरल एंड द अदर इज आर्टिफिशियल. दो टाइप की हैं, एक है हमारे पास नेचुरल एंड द सेकेंड वन इज
आर्टिफिशियल. नेचुरल मीन्स जो हमें नेचर ने दी है, जो ह्यूमन बींग्स को दी है, जो एनिमल्स में है, राइट. सो नेचुरल इंटेलिजेंस इज गिफ्टेड बाय नेचर टू ह्यूमन्स एंड सम एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टेक अ सिप ऑफ हॉट मिल्क, यू फील द हीट एंड पुट द कप अवे टू कूल डाउन. सपोज आप चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी कुछ भी पी रहे हैं और वो आपको गर्म लगती है, तो आप क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं. तो इसमें आप क्या यूज़ कर रहे हैं, अपना माइंड ही तो यूज़ कर रहे हैं कि आपको अभी उसको नहीं लेना है बिकॉज इट्स वेरी हॉट, राइट. सो वंस दिस हैज हैपेंड टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, यू ऑलवेज चेक बिफोर टेकिंग अ सिप नेक्स्ट टाइम. सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस. ओके, सो फ्रॉम सच एक्सपीरियंस ह्यूमन बींग बिकम इंटेलिजेंट. और इन एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं और हम इंटेलिजेंट बनते हैं. ह्यूमन ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट एंड मिस्टीरियस ऑर्गेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हम इस ब्रेन को अंदर से नहीं देख सकते, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इसमें किससे बना है, क्या न्यूरॉन्स हैं, क्या सेल्स हैं, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू नो. सो इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड ऑल्सो कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन. इट्स वेरी पावरफुल, ओके. और इसकी हेल्प से हम अपने काफ़ी फंक्शंस कर सकते हैं. अब आप देखते हैं हमारी लाइफ में, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग पायलट हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ कर रहे हैं, अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं. अगर सपोज पायलट है तो उसको पता है कि हमें मुझे क्या, कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है, किस डायरेक्शन में मुझे अपना एरोप्लेन लेके जाना है. डॉक्टर है, उसे भी अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है कि मुझे कहाँ पे पेशेंट को कैसे डायग्नोज करना है, उसकी कैसे हेल्प करनी है, उसको क्या मेडिसिन देनी है. तो ये सब क्या है, डॉक्टर ने जब स्टडी की तो अपने माइंड में सब कुछ स्टोर कर लिया ना, एंड देन वी कैन यूज़ इट फर्दर. तो इन सब फील्ड के लिए वी हैव टू बी इंटेलिजेंट. और ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से होगा. जितना आप क्लास में, अपना कहीं पे भी आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ भी लर्न करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उतना आपकी लाइफ के लिए इट वुड बी बेनिफिशियल. सो नाउ लर्न फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, कोई भी टफ कॉन्सेप्ट है उसको समझना, राइट, एंड अप्लाई लॉजिक एंड रीजन टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. हम कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करना है अपना माइंड, कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है. देन रिकग्नाइज पैटर्न्स. जैसे हम अभी आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, वहाँ पे आप करेंगे रीजनिंग करेंगे, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स होंगी, उसमें भी हमें अपना माइंड यूज़ करना है. Then make inferences and decision, retain information. Information से हमें अपने decision लेना है, result लाना है कि हमें क्या करना है, output लेके आना है. Communicate with other human beings through different parts of the body. हम बाकी लोगों से बात कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं, right? So artificial intelligence. अब AI की बात करते हैं. AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट रेफर्स टू द इंटेलिजेंस क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. इन अदर वर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू थिंक एंड लर्न. कोई मशीन कैसे सोचेगी और कैसे लर्न करेगी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द मशीन, और वो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. It makes machines as smart as humans, right? So AI focus on building smart machines that are capable of performing a wide range of tasks which usually require human intelligence and coordination. So artificial intelligence focus on building smart machines that are capable of performing a wide range of tasks which usually require human intelligence and cognition. Means like mental awareness, intelligence, right? So these intelligent machines are infused with the capability of learning from experience and historical data, analyzing their surrounding environment. Machines तो human being ही बनाएंगे, लेकिन जो machine है वो learn कर लेगी कि हमें उसे कहाँ पे कैसे use करना है, कैसे apply करना है, कैसे फंक्शन को परफॉर्म करना है.
ओके तो ये लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड हिस्टोरिकल डाटा, एनालाइजिंग देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, परफॉर्मिंग एक्शंस अकॉर्डिंगली, जो भी हमें जो भी मशीन को एक्शन करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, रिकग्नाइज पैटर्न्स एंड रिकग्नाइज फेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और जो मशीन है वो ईजिली फेस को भी रिकग्नाइज कर लेगी एंड ऑब्जेक्ट्स को भी, बिकॉज AI means artificial intelligence, right? So similarities between human and machine. अब इन दोनों के बीच में क्या similarities हैं, क्या चीज़ें same हैं? Machines have various qualities similar to humans in various aspects. Some of them are as follow. Just like people, machine can learn too. जैसे हम लोग सीखते हैं ऐसे machine भी सीखती हैं. Then they gain knowledge and then they learn how to improve and enhance themselves based on the acquired facts. जैसे हम अपने experience से सीखते हैं फिर आगे apply करते हैं, ऐसे ही machine जो है वो knowledge gain करती है, उसको apply करती है, अपने performance को improve करते हैं. So the next is, humans have a natural tendency of understanding a situation and take actions accordingly. Humans भी क्या है, हम भी ऐसे ही act करते हैं, अपने experience से सीखते हैं and आगे apply करते हैं. Both of them have memories to store information. जैसे हम अपने brain में store करते हैं information, ऐसे ही machine भी store करती है. Human use eyes for vision whereas machine use cameras. जैसे अपनी eyes use करते हैं देखने के लिए, machine क्या use करती है, cameras. Both can sense the obstacle and can move on their own. हम जो भी आगे problems आती हैं हम देख सकते हैं, same machine भी उसको देख सकती है. Okay, then machines and humans can converse with each other. Human use natural language for conversation and machine use machine language for conversation. Machine and humans दोनों interact कर सकते हैं, converse कर सकते हैं आपस में. Human जो है we use natural language and machine use machine language, right? So now let us do write a short note on AI machines can be great friends of human beings in the space given below. तो आप अपनी language में you can write few lines on it. Now the next is difference between human and artificial intelligence. अब हम बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है. पहले हमने सिमिलैरिटीज के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे दोनों के डिफरेंस के बारे में. फॉलोइंग टेबल शोज सम डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लाइक द फर्स्ट वन, सीरियल नंबर इज गिवन वन, हेयर ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड हेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नंबर वन, क्रिएटेड बाय नेचर, हमें गॉड ने बनाया, नेचर ने बनाया है. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटेड बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस, राइट. द सेकंड डिफरेंस इज प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन स्लोअर. हम कोई भी प्रोसेस करेंगे, कोई भी सपोज कोई कैलकुलेशन है, थोड़ा हम टाइम लेंगे, बट मशीन टेक्स लेस टाइम, प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद हाई स्पीड, जल्दी कर देगा उसको. एंड द थर्ड वन इज लेस एक्यूरेट, हम कोई गलती कर सकते हैं but machines are more accurate, right? And the fourth is capable of adapting changes. Hum apne aap ko changes ke according adapt kar sakte hain, but machine can't easily adapt changes. Agar humne usme kuch change kar diya hai to wo usme response nahi karegi machine, okay? Then has the capacity of multitasking. Hum कई टास्क एक साथ कर सकते हैं, लाइक हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं और अपना वर्क कर रहे हैं. वी आर डूइंग सो मेनी टास्क एट वन टाइम, बट मशीन परफॉर्म सिंगल टास्क मोर एफिशिएंटली. मशीन सिर्फ एक ही काम करेगी मोर एफिशिएंटली. देन ह्यूमंस आर सोशल बाय नेचर, हम लोग सोशल हैं, हम लोग आपस में मिलते हैं, फ्रेंड्स हैं. एंड बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन में लैक सोशल स्किल्स, उसमें कोई सोशल स्किल्स नहीं है. देन ह्यूमन इंटेलिजेंस द लास्ट वन हैज सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने आप के लिए अवेयर है व्हाट टू डू, बट मशीन्स में वर्क इज गोइंग ऑन टू डेवलप दिस स्किल. मशीन में ऐसा कुछ नहीं है, बट
जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर वर्किंग ऑन दिस. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट इज यूज ऑफ एआई. हम इसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हेयर आर डिफरेंट प्लेसेस वेयर एआई इज बीइंग यूज्ड. इन स्कूल्स, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस एंड अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, हम देखते हैं बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं क्लासरूम में. एंड देन द सेकेंड वन, हेल्पिंग टीचर्स इन शेड्यूलिंग मीटिंग्स और क्रिएटिंग रिपोर्ट कार्ड्स. जब हम रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं, टीचर्स रिजल्ट बनाते हैं, तो वी यूज कंप्यूटर्स, राइट? तो दिस इज वेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग रिपोर्ट कार्ड्स. नाउ एट होम्स, घर पे हम कैसे यूज कर सकते हैं? आंसरिंग योर क्वेरीज, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, कुछ भी, हम उसको सर्च कर सकते हैं. हेल्पिंग इन डूइंग हाउस होल्ड कोर्स और द अदर टास्क लाइक अरेंजिंग द क्लोथ्स. आजकल इतनी सारी मशीन अवेलेबल हैं, सो वी कैन डू आर वर्क ईजली. वैक्यूम द फ्लोर, क्लीनिंग करना है तो वैक्यूम क्लीनर से ईजली कर सकते हैं. कुकिंग एंड सर्विंग फूड, हमारे पास माइक्रोवेव है, ओवन है, हम अपना आराम से कुकिंग कर सकते हैं. डस्टिंग एंड क्लीनिंग, सो मैनी अप्लाइंसेज जिससे हम अपना क्लीन कर सकते हैं अपने घर को आराम से. टेकिंग पेट्स आउट फॉर अ वॉक एंड देन हेल्पिंग इन द लॉन्ड्री. मशीन्स हैं आजकल आपके पास, ईजिली उसमें बस आपने कपड़े डालने हैं और विद इन वन आवर और टू आवर्स, नथिंग टू डू, जस्ट आपको उसको ऑन करना है लाइक फुली ऑटोमेटिक मशीन्स. तो इट्स वेरी ईजी नाउ. टेकिंग आउट द गार्बेज, कुछ भी क्लीनिंग करनी है, सो वी हैव सो मैनी इक्विपमेंट, सो इट्स वेरी यूजफुल नाउ. नाउ एक्स्ट्रा बाइट, चैटबॉट और डिजिटल असिस्टेंट्स लाइक सीरी, एलेक्सा, गूगल यूज एआई. दे कैन इंटरैक्ट विद पीपल. दे ऑल्सो हेल्प यू इन सेटिंग अप कॉल्स, रिमाइंडर्स, मीटिंग्स, प्लेइंग म्यूजिक एंड अदर टास्क. ओके, नाउ इन होटल्स, हेल्पिंग पीपल बाय सजेस्टिंग फूड अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स. And the second one, monitoring at the reception and helping in housekeeping. Hotels में भी rooms हैं, उनको कैसे clean करना है, कैसे इसको manage करना है. तो these all the things nowadays with the help of AI, computer, laptop, right? Now in banks, chatbots help people to deposit and withdraw money, e-banking. Now making the banking process easy for people by guiding them, right? Now in hospitals, helping doctors during operations and in early disease diagnosis. इससे क्या कर सकते हैं आप? easily doctors जो हैं अपने patient को help कर सकते हैं, उनका जो भी problem है, जो भी उनकी health issue है, उसको वो जल्दी से उसको diagnose करके उसको recover कर सकते हैं. Preparing medical reports, x-rays etc. and taking care of patients. हम x-ray करवाते हैं या कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट्स है उसके लिए, दीज आर वेरी यूजफुल. एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, ऑटोमेटिक ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशंस. कुछ भी देखना है कि फ्लाइट कब है, कहाँ जाना है, क्या रूट है, वट एवर, सो विद द हेल्प ऑफ एआई इज वेरी इजी. हेल्पिंग पीपल बाय अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स एंड प्रिडिक्टिंग डिलेज. तो कुछ भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ट्रेन है या फ्लाइट है, वो सब इंफॉर्मेशन हमारे पास ईजिली अवेलेबल हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एआई. नाउ इन स्पेस, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस विच हेल्प्स इन न्यू डिस्कवरीज. ओके, एंड डेवलपिंग ऑटोनोमस स्पेस क्राफ्ट फॉर एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम. तो इसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम काफ़ी कुछ सर्च कर सकते हैं कि हमारे स्पेस में क्या है. ओके, नाउ एआई गैजेट्स. AI has become an important part of our life. You know very well. We are using some sort of AI in many devices. Let us take a look at some of these devices. Ek baar hum dekhte hain. Let's see. Smartphones. Smartphones are portable devices which combine the function of a mobile phone and computing devices. Okay? They use AI for a variety of tasks such as face recognition, voice assistance, navigation, weather status, photo filter, games. The phone mein aajkal everything is possible, right? Now smartwatches, aapne ye bhi dekhi hongi smartwatches.
These are wrist watches that provide a variety of features that traditional watches don't have. They can measure your pulse rate, count your steps, etc. यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे पास आ जाता है कि हमने कितने स्टेप्स कवर किए, हमारा पल्स रेट कितना है. ओके, सो दीज आर ऑल्सो वेरी यूजफुल. नाउ चैटबॉट, इट इज़ एन एआई एप्लीकेशन यूज टू मेक एन ऑनलाइन चैट कॉन्वर्सेशन. हमने किसी से अपने फ्रेंड से बात करनी है तो वीडियो कॉलिंग हम कर सकते हैं ईजिली. सो दीज आर वेरी कॉमनली यूज बाई कंपनीज लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट फॉर कस्टमर सपोर्ट. ओके, चैटबॉट. नाउ चैटबॉट, इट इज़ एन एआई एप्लीकेशन यूज टू मेक एन ऑनलाइन चैट कॉन्वर्सेशन. दीज आर वेरी कॉमनली यूज बाई कंपनीज लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट फॉर कस्टमर सपोर्ट. हम ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, कुछ भी हमें कुछ अमेजोन से हमने मंगवाया है या फ्लिपकार्ट से. सो चैटबॉट इज वेरी यूजफुल नाउडेज, राइट. नाउ नेक्स्ट इज स्मार्ट टीवी. स्मार्ट टीवी आर AI enabled TVs and can perform many tasks. Smart TV allows its user play music, movies or change channels using internet and all this can be controlled with your voice. Smart TV bhi aajkal available hai. Aap us pe kuch bhi movies chalana chahte hain, kuch bhi cartoon show dekhna chahte hain, music chalana chahte hain. So with the help of internet, with the help of YouTube, you can see and watch everything, whatever you want, okay? And आप इसको अपनी voice से भी control कर सकते हैं. And now smart doorbells, these are AI enabled and inform the homeowner when a visitor arrives at the door. A smart video doorbell combines the function of a smart doorbell and a security camera. इसमें doorbell भी है और एक कैमरा भी है कि जिससे हम इजीली देख सकते हैं कि कौन हमारे घर आया है, किसने विजिट किया है, राइट. सो ड्राइवलेस कार्स, ड्राइवलेस और सेल्फ ड्राइविंग कार यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स, कैमरास एंड एआई टू ट्रेवल बिटवीन डेस्टिनेशंस विदाउट ह्यूमन हेल्प. ये कार्स अपने आप ही चलती जाएंगी. इसमें कैमरा भी है, सेंसर्स हैं, ओके, तो आराम से विदाउट ह्यूमन बींग it can run. Now smart speakers, these are devices that accept our voice commands to play music, provide answers to questions asked and make a phone call. It can even turn on reminders, play voice enabled games with you and control home gadgets connected to it. Okay, so these are very useful nowadays. Now let us do rearrange the letters to get the names of these smart AI devices. अब हमें rearrange करना है. एक आपको given है like first one. What is first one? It can be. आप देख सकते हैं it is smart doorbell. What is this? Smart doorbell. Second देखो, second में क्या है? यहाँ पे आपको VT दिख रहा है, यानी ये TV हो सकता है. स्मार्ट टीवी, दिस इज स्मार्ट टीवी. थर्ड में आप देखेंगे दिस इज वॉट ओ टी सी ए टी एच, दिस इज चैट बोट सी एच ए टी बी ओ टी, फाइन. एंड द फोर्थ वन दिस इज वॉट आप फाइंड कर सकते हैं एम डब्ल्यू ए टी सी एच ए आर टी एस, वॉट इज दिस? Smart watch, right? So I hope it's clear to you. Now computer manners, share your computer with others, take turns in using the keyboard and mouse, turn by turn you have to use it, make room for your classmates while they are using computers, fine. Now the next is, let us rewind. So intelligence is the ability to think, understand and learn from previous experience to act in any given situation. The ability to calculate, reason, perceive relationship and analogies, learn from experience, store and retrieve information from memory, solve problems, comprehend complex ideas, use natural language, classify, generalize and adapt new situation is known as intelligence.
Intelligence can be of two types, natural and artificial. Natural intelligence is gifted by nature to humans and some animals. And artificial intelligence or AI refers to the intelligence created by humans. In other words, artificial intelligence is the ability of a machine to think and learn. It makes machines as smart as humans. Now, artificial intelligence focuses on building smart machines that are capable of performing a wide range of tasks which usually require human intelligence and cognition. Okay, then smart watches are wrist watches that provide a variety of features that traditional watches don't have. I hope it's clear to you. It's very easy chapter. You can go through this chapter. Any problem, we can discuss it. Some points are left over here. Let's see. Chatbot is an AI application used to make online chat conversation. Smart TVs are AI enabled and can perform many tasks. Smart doorbell is an AI enabled doorbell that informs the homeowner when a visitor arrives at the door. Smart speakers are devices that accept our voice commands to play music, provide answers to questions asked, and make a phone call. I hope these are clear to you. Now come to the exercise. Check yourself. A part, take the correct option. The first one, intelligence can be of, it is of two types. A. The second one, dash intelligence is gifted by nature to humans and some animals, that is natural intelligence. The third one, dash intelligence is the ability of a machine to think and learn, that is artificial. And the fourth one, dash intelligence is more accurate, that is artificial. Okay. And the fifth one, dash combines the following function of a mobile phone and computing device, that is smartphone. So these are very easy. Now filling the blanks, dash intelligence has self-awareness. So self-awareness kiske paas hai? Natural intelligence mein. So you will write over here, natural. The second one, dash intelligence process information with high speed. High speed kis mein hai? That is artificial, AI mein. Okay, then the third one, artificial intelligence is created by human intelligence. Banaya to humans nahi hai, human intelligence ne, right? Then the fourth one, human intelligence has the capacity of self-awareness. Okay, and the fifth one, or you can write capacity of multitasking. It has a capacity of, you can write, multitasking. And the fifth one, a dash is an AI-enabled doorbell that informs the homeowner when a visitor arrives at the door. That is smart doorbell. Okay? Abhi humne padha tha iske baare mein. I hope it's clear to you. Now the C, right, true or false? The first one, machine and humans can converse with each other. Yes, this is true. The second one, humans use eyes for vision whereas machine use cameras. Yes, this is true. Just like people, machine can learn too. Yes, this is also true. Natural intelligence is the ability of a machine to think and learn. No, it is the ability of a human being. So this is false. Chatbot is an AI application used to make an online chat conversation. So this is also true. I hope it's clear to you. Now we have D. Write down the difference between human and AI. You know very well. We have done some differences. You can write on your own. Now E part, answer these questions. The first one, define intelligence. Intelligence hai kya? Intelligence jo hai, हमें सोचना है, समझना है, उस चीज़ को अपने माइंड में स्टोर करना है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से लर्न करना है, फिर आगे कैसे अप्लाई करना है, दैट कैपेसिटी. ओके, इट इज़ गिफ्टेड बाय नेचर टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स. सो इंटेलिजेंस लाइक कुछ भी अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको कैसे अप्लाई करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे किसी लैंग्वेज को यूज़ करना है या डिफरेंट लैंग्वेज को लर्न करना है,
That is referred to intelligence. Now, what do you mean by natural intelligence? The second one, natural intelligence means it is gifted by nature to human and some animals. Okay? जिससे हमें पता चलता है कि हमें किसी कंडीशन में कैसे अडाप्ट करना है अपने आप को और कैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है. सो दैट इज़ अ नेचुरल इंटेलिजेंस. नाउ एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेड बाय ह्यूमंस. ओके, इससे हम मशीन्स को कैपेबल बना रहे हैं कोई भी कंडीशन को लर्न करने में, उसको सोचने में, फिर डिफरेंट टास्क वो कैसे कर सकती है मशीन. That is the artificial intelligence. इसकी help से अपने task को easy कर रहे हैं अपनी life में, different tasks, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे bank में हो, चाहे school में हो. So it is very useful. Now give any four uses of AI at home. We can do different tasks with the help of AI, like cleaning of our home and washing the clothes. एंड आप स्कूल में यूज़ कर सकते हैं. हम स्कूल में कैसे यूज़ कर सकते हैं? बच्चों को मॉनिटर करने में, उनकी अटेंडेंस को देखने में, टीचर्स को हेल्प मिलती है रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करने में. ऐसे ही हॉस्पिटल्स में डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं, होटल्स में जो भी वहाँ का स्टाफ है उसको यूज़ कर सकता है उसको मेनटेन करने में होटल को अपने, और मॉनिटर करने के लिए. सो देर आर सो मैनी यूजेज ऑफ AI. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. यू कैन गो थ्रू दिस चैप्टर एंड एनी प्रॉब्लम देन वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड विद अस टिल द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.